हेलो बेटा, हम लोग लेक्चर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। आई एम एज्यूमिंग द चार्ज Q1 हैविंग द चार्ज चार्ज ऑफ पॉजिटिव काइंड एंड चार्ज Q2 हैविंग द पॉजिटिव काइंड ऑफ द ऑल्सो चार्ज। ये जो चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाया जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्ज वन जो है वो चार्ज टू के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। तो चार्ज वन टू के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, वन चार्ज, ठीक है। तो फोर्स ऑन टू बाई वन चार्ज, ये हमारा लिखने का तरीका है, ऑन और बाई। ओके, तो चार फोर्स ऑन टू बाई वन। तो यहाँ पे मान लीजिए जो Q1 नाम का जो चार्ज है वो Q2 नाम का जो चार्ज है उसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जो Q1 नाम का चार्ज है वो एक दूसरे चार्ज के साथ भी इंट्रैक्शन कर रहा है, और वो है Q3 नाम का चार्ज, और ये चार्ज हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है। हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेट मी से दैट इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है 60 न्यूटन। आप लोग कोई भी डेटा मान सकते हो, मैं सिर्फ एक जो 60 न्यूटन 100 न्यूटन लिख रहा हूँ वो सिर्फ एक कैलकुलेशन है, एक नंबर ही से ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि इसी चार्ज के ऊपर Q1 नाम के चार्ज के ऊपर एक और फोर्स काम कर रहा है Q4 नाम का, और ये प्लस Q4 है, तो मान लीजिए ये इसको रिमूव जो Q1 चार्ज है और जो Q4 चार्ज है दोनों के बीच में जो रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है वो 15 न्यूटन। तो कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच में जितना फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका इफेक्ट जो है Q1 का Q4 के साथ नहीं पड़ेगा, Q1 का Q3 के साथ नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसा समझिए कि एक चार्ज जो है वो 4 पाई की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने चारों तरफ बनाता है, ठीक है। तो एक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से है, जैसे हमारा मकड़ी का जाल होता है, तो ये एक चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना के रखी है। जो ये Q1 नाम का चार्ज है जिसने Q2 नाम के चार्ज के साथ जो रिपल्सन संभाला हुआ है वो इस लाइन के साथ संभाल लिया। Q1 नाम के चार्ज ने जो Q3 के साथ में रिपल्सन अट्रैक्शन संभाला हुआ है वो इस लाइन के साथ संभाल लिया। Q1 नाम के चार्ज ने जो Q4 नाम के चार्ज के साथ जो अट्रैक्शन या रिपल्सन संभाला हुआ है वो इस लाइन के साथ संभाल लिया। मतलब कि ये जो Q1 नाम का चार्ज जो है इसको इस लाइन से रिपल्सन करता रहेगा। Q1 नाम का चार्ज जो है Q4 को इस लाइन से रिपल्सन करता रहेगा, और Q1 नाम का चार्ज जो है Q3 को इस नाम से अट्रैक्शन या इस लाइन से अट्रैक्शन करता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इन तीनों लाइनों का आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं है, इसलिए Q1 के ऊपर कितने भी चार्जेज लगेंगे उनका जब Q1 Q2 के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, Q1 Q4 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, Q1 Q3 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होगा, देयर विल बी नो कनेक्शन, ठीक है। तो जब हम लोग क्या कह सकते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज, ठीक है। ये चीज़ समझिए कि जब भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है, जैसे Q1 Q2 Q4 के बीच में, Q1 Q3 के बीच में, Q1 Q4 के बीच में, तो जो दूसरे चार्जेस उसके ऊपर लग रहे हैं या दो दूसरे चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है उससे जिसके लिए हम लोग काउंट कर रहे हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि हम लोग Q1 और Q2 के लिए काउंट कर रहे हैं तो Q1 और Q4 के लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि हम लोग Q1 और Q3 के लिए काउंट कर रहे हैं तो Q1 और Q3 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे फिर Q4 Q2 जो है उसके साथ जुड़े हैं या
नहीं जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और समझिए, लेकिन यदि हम लोग एक सिंगल चार्ज की बात करें, सिंगल चार्ज की, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास में एक सिंगल चार्ज है क्यू वन, अब क्यू वन के ऊपर कितना टोटल नेट चार्ज होगा, क्यू वन के ऊपर टोटल कितना नेट चार्ज होगा, तो वो होगा इन सब चार्जेस का वेक्टर एल्जेब्रिक की सम। फिर से समझिए थोड़ा सा, जब भी दो चार्जेस के बीच में बात करेंगे, जैसे क्यू वन और क्यू टू चार्जेस के बीच में बात करेंगे, तो अदर चार्जेस जो उसके ऊपर लग रहे हैं को इफेक्ट नहीं करेंगे। जब हम लोग एक सिंगल चार्ज के बाद में बारे में बात करेंगे, उस एक सिंगल चार्ज के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो सिंगल चार्ज की जब हम लोग बात करेंगे तो इसके ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेज हैं उन सब का वेक्टर सम जो है वो इस सिंगल चार्ज का रिजल्टेंट ही आएगा। और यही जो हमारा कंसेप्ट है, यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए कैसे, वी आर स्टडिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये कह रहा है कि हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक चार्ज है, मान लीजिए क्यू नोट नाम का चार्ज, और क्यू नोट नाम का चार्ज की जो पोजीशन है वो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर नोट नाम की जो आर नोट जो उसका क्यू नोट की पोजीशन वेक्टर है वो उसकी पोजीशन बताता है आर नोट यहाँ पे। मान लीजिए एक दूसरा चार्ज हमारे पास में क्यू वन, जिसकी पोजीशन जो है वो आर वन है, और एक तीसरा चार्ज मान लीजिए हमारे पास में Q2, जिसकी पोजीशन है वो हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक R2 है, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि कूलम्स का ये कहना था कि जो चार्जेज है वो जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स जो है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से एक लाइन ज्वाइनिंग कर दिया बिटवीन द Q1 एंड Q0। तो यदि Q1 और Q0 के बीच में हम लोगों ने लाइन ज्वाइनिंग कर दिया, तो यहाँ से Q1 जो है वो मान लीजिए प्लस का है और क्यू नोट भी प्लस का है, तो क्यू वन जो है एक फोर्स लगा है क्यू नोट के ऊपर, तो उस फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन ऑन मतलब क्यू नोट बाई बाई मतलब क्यू वन के द्वारा, फोर्स ऑन क्यू नोट बाई वन। सिमिलरली मान लीजिए क्यू टू जो है वो भी प्लस है, तो यहाँ से क्यू टू जो है वो फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, क्यू नोट के ऊपर, किस नाम से, तो आंसर है फोर्स ऑन क्यू नोट बाई टू, टू मतलब क्यू टू से, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आर नोट आर वन आर टू जो है इसके पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे, क्यू वन क्यू टू दो चार्जेज है, क्यू नोट भी एक तीसरा चार्ज है, एफ जीरो वन जो फोर्स है क्यू नोट के ऊपर बाई वन के द्वारा, एफ जीरो टू फोर्स है क्यू नोट के ऊपर बाई क्यू टू के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। तो अब इस क्यू नोट जो चार्ज है उसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा, तो टोटल फोर्स लगेगा क्यू वन प्लस क्यू टू उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं उन सबका वेक्टर एल्जेब्रिक सम। तो जब वो क्यू नोट के ऊपर वेक्टर एल्जेब्रिक सम फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोगों को काउंट करना है, तो उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे सुपर पोजिशन, एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सो वट वी कैन राइट डाउन द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, द टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, ठीक है। वही चीज़ जो हम लोगों ने लिखी है कि एक चार्ज के ऊपर टोटल कितना सम फोर्सेज लगेंगे, तो उन सबका हम लोग वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। तो ओके, तो मान लीजिए हमारे पास में एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगा है एफ जीरो वन, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग जानते हैं क्यू नॉट क्यू वन दो फोर्सेज हैं, आर जीरो वन यहाँ पे एक स्केलर क्वान्टिटी यूज कर रहे हैं हम लोग इसका डिस्टेंस का, और ये हो जाएगा हमारे पास में आर यूनिट वेक्टर। सिमिलरली हम एफ जीरो टू के लिए काउंट करेंगे, तो ये आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू टू अपॉन आर जीरो टू और आर यूनिट वेक्टर ऑफ जीरो टू, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने दो चार्ज लिए हैं, यदि मैं कहूँ कि हमारे पास में एक तीसरा चार्ज है तो वहाँ से आ जाएगा एफ जीरो थ्री, एक चौथा चार्ज है तो आ जाएगा एफ जीरो फोर, एक पाँचवा चार्ज तो आ जाएगा एफ जीरो
फाइव, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि इस चार्ज के ऊपर, क्यू नोट के ऊपर उन सब का वेक्टर एल्जेब्रिक सम आएगा। तो जो एफ नोट है उसके ऊपर टोटल चार्ज हमारे पास में आ जाएगा एफ जीरो वन का फोर्स, एफ जीरो टू का फोर्स और अप टू द एफ जीरो एन, मतलब एफ जीरो थ्री, एफ जीरो फोर, एफ जीरो फाइव, एफ जीरो सिक्स, एफ जीरो एन तक जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकी वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ नोट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट, जो सबके अंदर कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा क्यू नोट क्यू वन अपॉन आर जीरो वन का स्क्वायर, आर नोट जीरो वन प्लस का क्यू नोट क्यू टू अपॉन आर जीरो टू का स्क्वायर, आर जीरो टू का यूनिट वेक्टर, और इस तरीके से करते करते हम लोग चले जाएंगे अप टू द एन टर्म्स तक। क्यू नोट जो है वो भी सबके अंदर कॉमन है, उसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा क्यू नोट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ से आ जाएगा क्यू वन। अच्छा, एक चीज़ हम लोग जानते हैं, आर यूनिट वेक्टर जो होता है वो इक्वल टू होता है आर फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आर यूनिट वेक्टर की हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये जब हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू वन आर फुल वेक्टर जीरो वन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जीरो वन इंटू में आर जीरो वन, ठीक है। ओके, इसी प्रकार से यहाँ से आ जाएगा क्यू नोट आर जीरो टू का स्क्वायर, और इसको हम लोग फुल वेक्टर में लिखेंगे तो आ जाएगा फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है, अप टू द एंड तक। यहाँ से जो है क्यू नोट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट, जो इसको कॉमन लिया हम लोगों ने, ये जो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा क्यू वन आर जीरो वन डिवाइडेड बाई आर क्यूब जीरो वन, ये चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्यू टू आर जीरो टू फुल वेक्टर डिवाइडेड बाई आर जीरो टू का क्यूब और अप टू द एंट्रेंस तक, ठीक है। हम लोगों ने एक पीछे वाले लेक्चर में एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, जब दो वेक्टर्स के बीच का हम लोगों ने पोजिशन वैक्टर निकाला था, यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने ट्राइंगल ऑफ वैक्टर एडिशन लगाया था, तो उससे हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला था कि जो आर टू वन जो होता है वो होता है हमारे पास में आर टू माइनस का आर वन वैक्टर, हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था, ठीक है। तो वो रिजल्ट जो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा क्यू नोट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट क्यू वन, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में आर जीरो माइनस का आर वन, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में क्यू टू आर जीरो माइनस का आर टू अप टू द इन्फिनिटी, और यहाँ से आ जाएगा आर जीरो माइनस आर वन का क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में आर जीरो माइनस का आर टू का क्यूब, ठीक है। ओके, यहाँ से देखिए क्यू वन है, यहाँ से क्यू टू अगला आएगा, क्यू थ्री अगला आएगा, क्यू फोर क्यू फाइव क्यू सिक्स अप टू द क्यू एन तक। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबका जो है एडिशन कर देते हैं, और जो हम लोग सब चीज़ों का एडिशन करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि सबका समिशन कर देते हैं हम लोग। जब इनका समिशन करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा समिशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन, कहाँ से शुरू हो रहे हैं हम लोग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से, तो आई इज इक्वल टू वन, और वन से लेके कहाँ तक जाना है, आई इज इक्वल टू एन तक हम लोगों को जाना है, ठीक है। ये है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, तो कहाँ से शुरू हुआ है ये, क्यू आई से शुरू हुआ है, और यहाँ पे आ जाएगा आर जीरो जो है वो सबके अंदर कॉमन है, और आर वन आर टू आर थ्री जो ये इंक्रीज होता जा रहा था ये हो जाएगा माइनस का आर आई का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में आर नोट सबके अंदर कॉमन आएगा, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव, तो ये हो जाएगा आर आई, ठीक है। उम्मीद ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। फिर से देखिए, जीरो जो है वो सबके अंदर कॉमन है, क्योंकि जो पोजिशन वैक्टर क्यू नोट है, पोजिशन वैक्टर यहाँ पे जो क्यू नोट है, ठीक है, वो तो हमारे पास में जीरो ही रहेगा हमेशा, क्योंकि उसके ऊपर टोटल फोर्स हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा जीरो सबके लिए कॉमन रहेगा, तो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव आर सिक्स आर एन तक जाएंगे, तो आर एन तक जाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में आर नोट एज इट इज़, वन टू थ्री फोर जो उसको लिख दिया हम लोगों ने आर आई। उसी प्रकार से नीचे जीरो 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 सबके अंदर कॉमन है, ये जीरो एक्चुअली में जीरो सबके अंदर कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये आ जाएगा ऐसा आर आई, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में एफ नोट का एलजेब्रिक सम हो जाएगा पूरे पूरे जितने फोर्सेज उसके ऊपर लग रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है वो समझिए, कंसेप्ट ये कहता है
कि आपको कंपैरिजन करना है बिटवीन चार्ज एंड मास के लिए। तो कुछ चीज़ें जो आपको इसमें आती है, कुछ चीज़ें आप इसमें समझिए। तो पहला जो पॉइंट है चार्ज के लिए, वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होने बॉडी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी एटम का जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। यदि वो एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो नेट चार्ज होता है वो हो जाता है पॉजिटिव, और जो एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका नेट चार्ज हो जाता है हमारे पास में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेट चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एटम है जिसका नेट चार्ज जो है हमारे पास में जीरो है, क्योंकि यहाँ पे दो जो है प्रोटोन है और दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज जो है इस इलेक्ट्रॉन इस एटम का जीरो है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसके पास में अभी जो नेट चार्ज है, तो अभी दो प्रोटॉन है ना, दो पॉजिटिव है और एक जो इसके नए पास नेगेटिव बच गया। ठीक है, तो इसका जो नेट चार्ज है वो हमारे पास में आ जाएगा पॉजिटिव, और जो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका नेट चार्ज हो जाएगा हमारे पास में नेगेटिव। तो जो एक इलेक्ट्रॉन एक जो एटम है उसके पास में चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। लेकिन यदि हम लोग मास की बात करें तो मास की जो क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, उसमें नेगेटिव क्वांटिटी हम लोग काउंट नहीं करते। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप लोगों ने सुना होगा प्लस 2 kg, 5 kg, लेकिन माइनस 2 kg कभी नहीं होता है। ओके, सेकेंड, चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब कि यदि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज है, ठीक है, तो इस बॉडी को मैं कितनी भी वेलोसिटी के साथ में लेके जाऊँ या कितनी भी इस बॉडी की स्पीड बढ़ाऊँ, इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ, उससे इसके ऊपर जो चार्जेज हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना चार्जेज इंक्रीज होंगे ना चार्जेज डिक्रीज होंगे। ठीक है, वैसे भी हम लोग ये जानते हैं कि जो चार्जेज हैं वो किसी भी एटम के लिए कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। तो वेलोसिटी के साथ में जो बॉडी का जो चार्जेज उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि एक इक्वेशन दी थी आइंस्टीन ने कि m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे m जो है वो मास ऑफ बॉडी है, एम नॉट जो है यहाँ पे रेस्ट मास ऑफ बॉडी है, वी जो है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, सी जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो जब हम लोग मान लीजिए m की वैल्यू, ओके, एम जो यहाँ पे मास ऑफ बॉडी है, एम नोट जो यहाँ पे रेस्ट मास ऑफ बॉडी है, और वी जो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, और सी जो यहाँ पे हमारे पास में स्पीड ऑफ लाइट है। तो बेटा यहाँ पे यदि हम लोग मान लीजिए एक बार हम लोगों को ये पता है कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेट मी से दैट वेलोसिटी उसकी 5 m/s केस फर्स्ट में। ठीक है, अभी हमने क्या किया, उस बॉडी का जो रेस्ट मास है, क्योंकि रेस्ट मास तो कभी चेंज होता नहीं है, तो उस बॉडी का जो रेस्ट मास है वो लेट मी से दैट 10 kg है। सी हम लोग जानते हैं जो होता है 3 × 10⁸ m/s। हमने क्या किया, v की वैल्यू ली, m नॉट की वैल्यू ली और c की वैल्यू ली, वो तीनों की तीनों वैल्यू जो हम लोगों ने इस इक्वेशन के अंदर पुट की, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट का जिसका मास इतना फलाना आया, इस ऑब्जेक्ट का मास यदि इस ऑब्जेक्ट की यदि वेलोसिटी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, लेट मी से दैट के सेकेंड के अंदर इसकी वेलोसिटी हम लोगों ने बढ़ा दी 10 m/s कर दी, और एम नोट जो है मास, रेस्ट मास ऑफ बॉडी वो तो कांस्टेंट रहेगा, सी जो है वो भी हमारे पास में कांस्टेंट है, तो चेंज सिर्फ क्या हुआ, तो चेंज हुआ हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो पहले 5 थी और अभी हमने उसको 10 m/s कर दिया। तो हम लोग ये देखते हैं कि अभी ये वैल्यू जो हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले का जो मास इस ऑब्जेक्ट का आता है, दूसरी बार वेलोसिटी बढ़ाने पर उस ऑब्जेक्ट का मास जो हम लोगों को बढ़ा हुआ मिलता है। जैसे मान लीजिए पहले इस ऑब्जेक्ट का मास आ गया 5.1246,
kg फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको सोल्व करने पे। तो दूसरी बार हम लोग देखेंगे कि जब वेलोसिटी बढ़ाने पे इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हो जाता है 5.4628 kg। तो वॉट वी आर गेटिंग एज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीज विद इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज है, मतलब चार्ज ऑफ फ्रिक्शंस में अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप मुझे एक चार्ज दीजिए, तो एक चार्ज दीजिए तो एक चार्ज आ जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। आप मुझे दो चार्ज दीजिए तो दो चार्ज आएंगे हमारे पास में 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तीन चार्ज दीजिए तो तीन चार्ज आएंगे 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कहने का मतलब ये बेटा कि जो चार्ज है वो हमको फ्रिक्शंस में नहीं मिलता, पूरे का पूरा जो है मल्टीप्लीकेशन के रूप में मिलता है। दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन मास में जो है अभी भी हम लोग ये देखते हैं कि क्वांटाइजेशन मास का अभी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यदि हम लोग ये कहते हैं कि हमें आधा किलो शुगर दीजिए तो हमें आधा किलो शुगर मिल जाती है, हमें ये कहते हैं कि 150 ग्राम शुगर दीजिए तो हमें 150 ग्राम शुगर मिल जाती है। तो मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड एज ए क्वांटाइजेशन फॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, हम लोग ये जानते हैं कि जो चार्ज है वो कंजर्व्ड, उसको हम लोग ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते चार्ज को, ना ही हम लोग बना सकते हैं, हाँ, लेकिन चार्ज को हम लोग एक बॉडी से लेकर दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे, मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी है, ई इज इक्वल टू mc2। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मास है वो कन्वर्टेबल है एनर्जी में, और एनर्जी हमारे पास में कन्वर्टेबल है मास में, मतलब बोथ मास एंड एनर्जी आर कन्वर्टेबल इन वन टू अनदर फॉर्म, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, हम लोग ये जानते हैं कि सेम सेम चार्जेज जो है वो रिपल्सन करते हैं, अपोजिट चार्जेज वो अट्रैक्शन करते हैं, लेकिन जो फोर्स जो मासेज के बीच में होता है तो दो मासेज कभी भी एक दूसरे को रिपल्सन नहीं करते, दो मासेज के बीच में हमेशा अट्रैक्शंस का फोर्स होता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो चार्ज होता है वो मैटर के अंदर होता है। जैसे एक मैटर है, एक मैटर को हम लोग तोड़ेंगे तो उसके एटम बनेंगे, और एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। तो यदि मैटर ही नहीं होगा तो हम लोग ये जानते हैं कि चार्ज भी नहीं होगा, ठीक है। तो चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मैटर, बट मैटर कैन बी एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन एक मैटर जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट में, एक होती थी फंडामेंटल यूनिट और एक होती थी हमारे पास में ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट वो होती थी जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव की जाती थी। जैसे हमारे पास में 7 फंडामेंटल यूनिट थे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मास, टाइम, इस तरीके से, ठीक है। तो जो चार्ज है वो हमारे पास में एक ड्राइव यूनिट है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और यदि हम लोग यहाँ से चार्ज निकालेंगे तो आएगा I × t। तो जो चार्ज है उसको हम लोगों ने मेजरमेंट किया फंडामेंटल यूनिट से, हम लोगों ने उसको ड्राइव किया, क्योंकि जो टी है वो है टाइम और जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, आई जो है वो हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट जो कि फंडामेंटल यूनिट है। तो दो फंडामेंटल यूनिट को यूज़ करके हम लोगों ने एक दूसरी यूनिट बनाई है चार्ज, और चार्ज यहाँ पे हो जाएगी डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। ओके, जो मास है वो हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि मास को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट है kg। ओके, लास्ट पॉइंट, एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो एमिट करता है रेडिएशन। ये आपको एक साइक्लोट्रॉन नाम के चैप्टर में पढ़ने को चैप्टर में आपको समझ में आएगा। एक चार्ज जो है यदि हम उस चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं, मतलब मोशन में लाते हैं, ठीक है, तो वो चार्ज है वो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन यदि आप एक मास को मोशन में लेके आते हो तो मास किसी प्रकार की कोई भी रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये कुछ डिफरेंस या कंपैरिजन और डिफरेंस थे चार्ज और मास के बीच में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। कल जो है हम लोग अगले लेक्चर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।